नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारा चैनल हर सप्ताह निःशुल्क ज्योतिषीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराता है। अपनी फ्री कंसल्टेशन पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एस्ट्रो गोल्ड गिफ्ट चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वाले लोगों का अगस्त 2018 का दूसरा सप्ताह कैसा जाएगा? दोस्तों, हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। आपने ना ही अपने नाम से राशि को देखना है, ना ही जन्म की तिथि से, अपनी चंद्र राशि को देखिए। बहुत आसान है, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप डालकर अपनी जन्म की तिथि, अपना जन्म का समय और जन्म का स्थान डालकर आप चेक कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में मौजूद है, चंद्रमा जिस नंबर के साथ लिखा हुआ है, वही आपकी चंद्र राशि बनती है। दोस्तों, हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। शुरुआत करते हैं वृषभ राशि के बारे में। अगस्त 2018 का दूसरा सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है? दोस्तों, 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक का समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत ही आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी। 8 और 9 अगस्त को आपको बड़ा फायदा हो सकता है। आप इस समय में काफी बिजी रहेंगे, अपने कार्यस्थल पर आप बिजी रहेंगे, आपकी भागदौड़ बढ़ेगी। इस समय में आपकी मेहनत भी बढ़ेगी और आपको मेहनत के अनुसार काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इस समय में भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। आपके मन की सारी इच्छाएं इस समय में पूरी हो सकती हैं। घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। इस समय में आप अच्छा खासा धन कमा सकते हैं, इसलिए इस समय को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं 10 और 11 अगस्त की। इन दो दिनों में आपके मन में कुछ अजीब सी बेचैनी रह सकती है, किसी बात को लेकर आप कंफ्यूज रह सकते हैं, डबल माइंडेड हो सकते हैं। किसी भी एक ऐसी बात के बारे में आप जरूरत से ज़्यादा सोचकर समय को खराब कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय में आपका मन अपने घर में कम लगेगा और कार्यस्थल से भी आपका मन भटक सकता है। आप अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। घूमने फिरने के लिए ये दो दिन सही हैं, लेकिन व्यापार के लिए नई योजनाएं इस समय में ना बनाई जाएं, व्यापारिक यात्राएं ना की जाएं, इनसे बचा जाए। या फिर व्यापार के लिए अगर धन का निवेश चाहते हैं, कोई नई डील साइन करनी है, या आप व्यापार के लिए किसी भी तरह का कोई भी बदलाव चाहते हैं, तो उसके लिए इस समय ठीक नहीं है। धन को खर्च करने के लिए ये दो दिन ठीक नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं 12 व 13 अगस्त की। 12 व 13 अगस्त को चंद्रमा सिंह राशि में ट्रैवल करेंगे आपके चतुर्थ भाव से, जो आपके भौतिक सुखों को बढ़ाएंगे। मन में एक अलग सी प्रसन्नता रहेगी, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, माता पिता का अच्छा साथ मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, मन आपका खुश रहेगा, पॉजिटिव सोच रहेगी, जो भी आप चाहेंगे वही पूरा हो सकता है। अपने कार्य को चलाने के लिए, अपने कार्यस्थल पर भी आप बिजी रहेंगे और अपने व्यवसाय को चलाने के लिए जी तोड़ मेहनत आप करेंगे। इस समय में भाग्य का साथ आपको मिलेगा। कुछ खर्च आपके इस समय में बढ़ सकते हैं, कुछ ना सोचे हुए खर्च इस समय में आपके सामने आ सकते हैं। दोस्तों, 14 तारीख का दिन आपके लिए लकी रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ आपको कमजोरी अपने अंदर नजर आ सकती है, कुछ जोश में कमी नजर आ सकती है। दिन आपको ये मिला जुला फल देगा, दिन आपके लिए लकी रहेगा, पैसे के हिसाब से लकी रहेगा, वैसे आपका दिन ये मिला जुला रहेगा। मन में कुछ नए नए विचार आ सकते हैं, नए लोगों को लेकर आप कुछ सोच सकते हैं, अपने नए मित्रों के बारे में सोच सकते हैं। जो लोग नए लोगों से अपनी मित्रता आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको इस दिन कामयाबी मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर आपके लिए अगस्त 2018 का दूसरा सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में आपके पास कई तरह के शुभ समाचार आपको मिलेंगे। अगर आपको यह राशिफल अच्छा लगे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, हमारी कोशिश है हर सप्ताह हर रविवार को सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच में फ्री आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं, अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो हर रविवार को सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है। धन्यवाद।